हेलो दोस्तों, आज हम HP T830 इंकजेट प्रिंटर का एक एरर देखेंगे, जिसका एरर है 0026-0061। ये एरर पंप असेंबली का है। सबसे पहले हम ये नीचे का कवर बाहर खींच के निकालेंगे, बिना स्क्रू के फिट होता है। इसके निकालने के बाद राइट साइड में जहाँ पे प्रिंटर और कार्ट्रिज लगते हैं, वहाँ पे नीचे साइड में एक स्क्रू है बॉटम में। कवर निकालने के बाद ये दोस्तों दिख रहा है। ये स्क्रू हम खोल लेंगे। ये स्क्रू खोलने के बाद इसके बैक साइड में दो स्क्रू है, इसे भी हम खोल लेंगे। ये एक और ये इसके नीचे दो स्क्रू है, ये खोल लेंगे हम। ये स्क्रू खोलने के बाद जहाँ से हम पेपर लगाते हैं उसका कवर उठाएंगे। इसका कवर उठाने के बाद इसमें यहाँ पर अंदर में एक स्क्रू लगा है, इसे भी खोल लेंगे हम। इससे ये प्रिंटर का राइट साइड का कवर पूरा निकल जाएगा बाहर। हमें पूरे कार्ट्रिज भी निकाल लेना है कवर में से। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी जहाँ से हेड बैठता है वहाँ पर भी एक स्क्रू है फ्रंट साइड से, इसे भी हम खोल लेंगे। पूरे कार्ट्रिज हमने निकाल लिए हैं। ये देखिए कितनी आसानी से ये कवर निकल चुका है। यहाँ पर हम पंप यूनिट यानी पंप असेंबली पूरी निकालेंगे। इसके लिए इसके तीन कनेक्टर है, एक और ये दूसरा कनेक्टर और ये तीसरा कनेक्टर। ये दोनों कनेक्टर हम बाहर निकाल तीनों कनेक्टर बाहर निकाल लेंगे। इसे लॉक में से भी निकाल लेंगे बाहर। ये देखिए पूरे कनेक्टर बाहर निकल गए हैं। अब यहाँ पर ये एक मेटल की पट्टी लगी हुई है, इसे भी खोल लेंगे हम। ये दो स्क्रू निकाल के रख लेंगे हम। इस पट्टी को हम बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद जहाँ कार्ट्रिज इंक आउट होती है कार्ट्रिज की, वो यूनिट को हम निकाल लेंगे बाहर आराम से। ये बिना स्क्रू के फिट होता है, बड़े आराम से हमें बाहर निकालना है। ये देखो मेरे हाथ से पूरा खुल गया था। फिर बाद में मैंने ये दो स्क्रू निकाले हैं, पहले ये निकालना है हमें। बैक साइड में इसके लगे हैं दो स्क्रू, इसे भी हम खोल लेंगे। ये दो स्क्रू निकालने के बाद हमें थोड़ा सा ऊपर उठाना है, क्योंकि पीछे ये मेटल की क्लिप में अटका हुआ होता है। ये पूरे प्लास्टिक के यूनिट को हमें थोड़ा सा उठा के बाहर खींचना है, ऊपर लिफ्ट करके फिर हल्के से बाहर निकालना है। ये जहाँ कार्ट्रिज 4 फीट होते हैं उसे उठाकर ये पूरा यूनिट बाहर निकल जाता है।
बड़े आराम से करना है हमें। देखिए इसी यूनिट में फॉल्ट है हमारा, हम चेक करेंगे अभी। ये चार स्क्रू है नीचे से, ये चार और ये एक पांच, ये पांचों स्क्रू हम खोल लेंगे। इस पंप असेंबली में एक मोटर होती है जिसमें एक सेंसर होता है, वो सेंसर पे कभी धूल आ जाती है तो उससे भी प्रॉब्लम आता है। ये देखिए हमने पांचों स्क्रू खोल लिए हैं। ये देखिए दोस्तों ये यूनिट पूरा निकल गया है बाहर, ये पूरा वाइट था, इसमें येलो कलर गिरने की वजह से ये फॉल्ट आया है। ये देखिए इसके अंदर इसका रबर निकल चुका है दोस्तों, हमें फॉल्ट मिल चुका है। ये बेल्ट है तो इसके गियर पे से निकल के नीचे गिर गया था, इसे हम साफ कर लेंगे नॉर्मल पानी से। इसे साफ करने के बाद अच्छी तरीके से इसे सुखाना भी पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक किट से सेंसर से और मोटर्स भी है, मोटर भी है। ये मोटर का काम होता है चारों कार्ट्रेज जो होते हैं हमारे, चारों कार्ट्रेज में अंदर पंप आता है, एचपी में हर कार्ट्रेज में रबर का पंप आता है। ये मोटर जब भी कोई इंक ख़त्म होती है ये मोटर उस पंप को दबाती है जिससे कलर निकल के हेड तक जाता है। देखिए दोस्तों मैंने इसे अच्छी तरीके से ब्लोर मार लिया हूँ, ब्लोर मार के मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है। ड्राई करने के बाद मैंने थोड़ी देर तक इसे सुखाया भी हूँ धूप में। ब्लोर से ड्राई करने के बाद हम इसे फिट करेंगे। कभी कभी ये फॉल्ट दूसरे प्रिंटरों में, मेरे प्रिंटर में तो बेल्ट निकलने से आया है, दूसरे प्रिंटरों में कभी क्या होता है कि मोटर ख़राब हो जाती है या फिर सेंसर में इंक चली जाती है, उससे भी ये प्रॉब्लम आता है। तो मेरे केस में तो बेल्ट निकला था, वो मैंने लगा दिया हूँ। अब देखते हैं इसे फिट करने के बाद ये चालू होता है कि नहीं, एरर जाता है कि नहीं। देखिए मैंने बेल्ट और अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया, जितनी इंक गिरी थी मैंने पानी से धो के साफ़ कर ली है। चलिए अब इसे फिट करते हैं। स्क्रू आपको ये प्लास्टिक से प्लास्टिक है तो इसमें रफ स्क्रू लगेंगे, वो चेक करके लगाना है आपको। अब इसे हम यहाँ पर फिट कर देंगे, पहले जैसा निकाला था उसी तरीके से। हम इसे पीछे मेटल का खांचा आता है, दोनों तरफ ब्रैकेट बने हैं, वो ब्रैकेट में मेटल के लगाएंगे हम दोनों तरफ। यहाँ पर भी एक खांचा होता है जिसमें एक किट फिट होती है। पीछे दो ब्रैकेट है, सामने एक ब्रैकेट, उसके बाद ये मेटल की प्लेट लगाएंगे हम। ये देखिए चारों कार्ट्रिज जिसमें फिट होते हैं इंक आउट का, उसे भी हम बराबर लगा देंगे। उसके बाद ये मेटल शीट लगेगी, एक यहाँ पे स्क्रू आएगा और एक यहाँ पे, दो स्क्रू है इसके। एक तरफ मेटल पे फिट हो रहा है इसलिए इसके फाइन स्क्रू है, यहाँ पे फाइन स्क्रू फाइन थ्रेड का स्क्रू लगेगा
वो आपको चेक करके लगाना है। यहाँ पर भी आप याद रखें, जहाँ से जो स्क्रू निकला है वहीं पे फिट हो। अब यहाँ पे बैक साइड में स्क्रू लगेंगे, दो स्क्रू है यहाँ से। इसके ये तीनों कनेक्टर हम लगा देंगे। ये तीनों कनेक्टर लगाने के बाद हम इसका कवर लगाएंगे। इसे क्लिपों में अच्छी तरीके से बिठा लीजिए वायरों को। कवर लगाने से पहले कार्ट्रिज का डोर ओपन कर लीजिए, उसके बाद लगाइए। जगह की कमी होने के कारण मैंने इसका ओरिजिनल स्टैंड निकाल दिया हूँ, जिसकी वजह से मुझे इतनी परेशानी हो रही है। अगर ये ओरिजिनल स्टैंड पे फिट होता था तो ये आसानी से कवर लग जाता था। मैंने इसका स्टैंड निकाल के प्लाउट का बॉक्स बना के इसमें रखा और नीचे की जगह मैंने स्पेस पूरी यूज़ कर ली। थोड़ी दिक्कत आई पीछे क्योंकि मैंने इसे स्टूल पर रखा। चलिए दोस्तों, ये कवर फिट हो गया। अब इसमें हम स्क्रू लगाएंगे। बैक साइड में टोटल 3 स्क्रू है और फ्रंट में 2 स्क्रू है, टोटल 5 स्क्रू है। पहले हम बैक साइड के स्क्रू लगाएंगे। नीचे ये दूसरा स्क्रू है। अब हम फ्रंट कवर जहाँ प्रिंट हेड लगता है, डोर को ओपन करके यहाँ पे एक स्क्रू लगा देंगे। इसके बाद बचा नीचे का, बॉटम में एक लगेगा। यहाँ पर एक स्क्रू है।
जहाँ पे रोलर फिट होता है पेपर रोलर, वहाँ पे एक स्क्रू लगा देंगे, ये लास्ट स्क्रू बचा है, यहाँ पे अब हम कार्ट्रिज लगाएंगे। दोस्तों इन कार्ट्रिजेस को रिफ़िल कैसे करना है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ये ओरिजिनल कार्ट्रिज है और मार्केट में जो कंटेनर मिलते हैं वो लगाने से प्रॉब्लम आते हैं, इसलिए मैं ओरिजिनल कार्ट्रिजेस को रिफ़िल करके ही यूज़ करता हूँ कंपेटेबल इंक के साथ, तो उसे रिफ़िल करना मैं वो भी बता दूंगा। अब हम फ्रंट कवर लगाएंगे, ये क्लिपों में फिट होता है, इसे इसको स्क्रू नहीं लगते हैं, मुझे इसे बिठाने में थोड़ी परेशानी हुई। ये देखिए ये क्लिप्स है दो दो के, उसमें ऊपर एक क्लिप है और नीचे एक क्लिप है। पहले मैंने कोशिश की नीचे के क्लिप से लगाने की लेकिन ये नहीं बैठा, फिर बाद में पता चला पहले ऊपर के क्लिप लगाना है, उसे प्रेस करना है, तो उसके बाद फिर नीचे से प्रेस करना है और इसे इसको फिट होने के बाद कट आवाज़ आएगी। देखिए दोस्तों पहले ऊपर का कवर लगाना है फिर बाद में नीचे से प्रेस करना है, थोड़ा ज़ोर लगाना है, कट कट की जब आवाज़ आएगी ये फिट हो चुका होगा। चलिए अब प्रिंटर को शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा फॉल्ट निकला है या नहीं। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को दबाइए, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए दोस्तों यह भी स्कैनर कैलिब्रेशन हो रहा है, आपके कोई कमेंट्स हो या और कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसके जवाब देने की। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अभी स्कैनर कैलिब्रेशन हो रहा है। देखिए दोस्तों प्रिंटर चालू हो चुका है। थैंक्स।